सो गाइस, हम लोग इस लोकेशन पे रुके थे, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये थी प्रॉपर्टी जहां पे हमने स्टे किया। सो गाइस, दिस इज अ प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग रुके थे ओयो के अंदर। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ इसके चारों तरफ का नज़ारा। और इस प्रॉपर्टी में रुक करके हमें अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस था। ये ओयो की प्रॉपर्टी थी, अंबिका रेजिडेंसी, हडिम्बा रोड पर। अभी भी थिक स्नो पड़ी हुई है। आपको मैं एक बार दिखा रहा हूँ इसके चारों तरफ का व्यू। रात को भी यहाँ पे स्नोफॉल हुई है, लेकिन इतनी हैवी स्नोफॉल नहीं हुई है। अभी आपको प्रॉपर्टी का एक बार अंदर का भी मैं व्यू दिखाता हूँ। ये इसका एंट्री गेट है और एक बार आपको अंदर से दिखाता हूँ इस प्रॉपर्टी को। सो डेट कि आप भी लोग आए तो इसको फील कर सकें कि ओयो की प्रॉपर्टी एक्चुअली में दिखने में होती कैसी है। अभी चेकआउट करने जा रहे हैं फिलहाल। सुबह के 9 बज रहे हैं, चेकआउट की तैयारी कर रहे हैं, साथ में ही ब्रेकफास्ट करेंगे। और ब्रेकफास्ट करने के बाद गाड़ी बुला ली है होटल के पास, वहां से निकल करके हम मणिकरण गुरुद्वारा की ओर बढ़ रहे हैं और वहां से दिल्ली की ओर चलेंगे। सचिन ने स्टार्ट कर दिया ब्रेकफास्ट करना। ओयो की प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट होता है, तो ब्रेकफास्ट करने की कोई भी टेंशन नहीं रहती है। सो कभी भी आप ओयो प्रॉपर्टी पर चेक इन करें तो एक बार कंफर्म कर लें कि वहाँ पर फ्री ब्रेकफास्ट की फैसिलिटी है कि नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी वाइज भी जो है कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट की फैसिलिटी अब थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो प्रॉपर्टी पर पहले ही कंफर्म करें ताकि आप निश्चिंत रहें ब्रेकफास्ट के बारे में। सो ओयो की प्रॉपर्टी से इतना ही। अब मैं आपको आगे का ब्लॉग दिखाऊँगा मणिकरण गुरुद्वारा से। सो मिलते हैं।